tan p minus cot r. ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यू ते 90 डिग्री है. पहला था टैन पी फाइंड करना, आप टैन पी फाइंड करना, फिर कॉट आर फाइंड करना, फिर दोनों माइनस कर देना. टैन पी इज इक्वल टू टैन का फॉर्मूला की होंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब पी दे सामने क्यू आर ते इहदे नाल अपॉन पी क्यू. कॉट आर फाइंड किया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आर दे नाल वाली सामने वाली क्यू आर अपॉन पी क्यू. जे कोई जे वन या टू मार्क्स जाता है, आप देखा कि टैन पी की वैल्यू भी क्यू आर अपॉन पी क्यू है, क्यूट आर दी भी, फिर आही सबट्रैक्ट करनी सी. जे सबट्रैक्ट सेम वैल्यूज करांगे तो जीरो आजूगा, तो इन्ना ही दस देंगे. पर जे क्वेश्चन फाइव मार्क्स जाता है फिर की करना है, क्यू आर ते पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है. पी क्यू की वैल्यू क्वेश्चन गिवन है 12. क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करांगे. पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो पी क्यू का स्क्वायर इधर ले जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जूगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 25 आ गया. पर यह स्क्वायर आया से क्यू आर का, अपन तो क्यू आर की वैल्यू चाहिए है तो क्यू आर लिए अंडर रूट ले लिया 5. फिर टैन पी माइनस कॉट आर, क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू, वैल्यूज पुट करती हैं इज इक्वल टू 0.